ऑनलाइन की इस दुनिया में हर किसी को प्राइवेसी चाहिए, मगर बड़ी कंपनियां ये देने को राजी नहीं है। और भला हो भी कैसे, इनकी दुकान आखिर इसी से तो चलती है। चलिए, फिलहाल ये प्राइवेसी की लड़ाई सालों साल तक चलती आ रही है। इसी जद्दोजहद में गूगल ने एक नया पासा फेंका है, जिसमें गूगल ने कहा है कि वो अपने ब्राउजर क्रोम में से कुकीज को रिमूव कर देगा। अब भाई इसमें क्या ऐसी बड़ी बात है, रिमूव करना तक तो ठीक था, लेकिन वो अपनी एक नई एल्गोरिथम लाएगा जिससे यूजर को ट्रैक किया जा सकता है। उस एल्गोरिथम का नाम है फ्लॉक। अब ये फ्लॉक क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और अभी तक आप फ्लॉक के लपेटे में आए हैं या नहीं आए हैं, और इसे आप मोबाइल से कैसे चेक कर सकते हैं, ये हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए फ्लॉक की गहराई में जाने से पहले थोड़ा बहुत कुकीज के बारे में जान लेते हैं। कुकीज एक ऐसी फाइल्स होती हैं जिसे वेब ब्राउजर यूजर के कंप्यूटर में स्टोर कर देता है। भैया सवाल एक है कि जब एक फाइल ही है, इसमें इतना दिक्कत होने वाली क्या बात है। दिक्कत यहाँ पर आती है इस फाइल के अंदर स्टोर डाटा में। दरअसल जब भी आप जिन जिन वेबसाइट को विजिट करते हैं या किसी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, तो वो पर्टिकुलरली इंडेक्स और वैल्यू के फॉर्म में इन फाइल्स के अंदर स्टोर हो जाता है। ये सभी इंफॉर्मेशन स्टोर इसलिए की जाती है ताकि आप एक बार जैसे सर्च किया, उसके बाद अगर आपने ब्राउजर खोला, वापस से जब आप सर्च करेंगे तो आपको उन्हीं प्रोडक्ट की ऐड दिखाई जाएगी जो आपने सर्च की है, और आपको ये ऐड दिखा दिखा कर कन्विंस कर दे उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। मगर देखिए, इसमें समस्या ये है कि कई यूजर्स को बहुत इरिटेट होने लगता है कि हमारी हिस्ट्री के बेसिस पर अगर आप कोई ऐड दिखा रहे हैं और हमसे इरिटेट हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट सर्च किया, उसका नाम है कोई स्पेक्टेकल्स, वो आपको पसंद नहीं आया तो आप उसे नहीं खरीदेंगे। लेकिन गूगल आपको अगर वो बार बार वही ऐड ना पसंद चीज़ की ऐड अगर बार बार दिखाएगा तो आप ऑब्वियसली इरिटेट होंगे ही। तो गूगल ने एक नया तरीका निकाला और कहा कि भैया कुकीज़ को हटा दिया जाएगा और एक नया तरीका जिसका नाम है फ्लॉक वो इम्प्लीमेंट करेंगे। फ्लॉक यानी कि फेडरेटेड लर्निंग ऑफ कोहोर्ट्स। फ्लॉक को आप एक स्क्रिप्ट मान सकते हैं जिसे वेब ब्राउजर आपके कंप्यूटर में रन करेगा। रन करने के बाद आपके लास्ट वीक तक की हिस्ट्री को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद उस हिस्ट्री के बेसिस पर आपको आप ही के जैसे लोगों के ग्रुप में असाइन कर देगा। अब ये ग्रुप क्या है और इसका लॉजिक क्या है, इसे समझ लेते हैं। देखिए, ग्रुप में असाइन करने से मतलब है उस ग्रुप की एक सिमिलर सी इंटरेस्ट होगा, उनकी कुछ हैबिट्स होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी हिस्ट्री में ये बताया जाता है कि आपने लास्ट वीक में स्पोर्ट्स और सपोज टेक्नोलॉजी के वीडियो के बारे में सर्च किया है, तो आपको स्पोर्ट्स और टेक के ग्रुप पे अलग अलग इन दो ग्रुप्स में असाइन कर देंगे, और फिर आपको वो एड्स दिखाई जाएंगी जो स्पोर्ट्स और टेक से रिलेटेड है। इसमें आप पर्टिकुलरली एक यूजर टारगेटेड नहीं होगा, एक ग्रुप ऑफ यूजर्स होंगे जो टारगेट किए जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा मान लो कि टेक को टेक की ऐड, कुकिंग को कुकिंग की ऐड, बिजनेस को बिजनेस की ऐड, और स्टार्टअप्स को स्टार्टअप्स की ऐड, तो इस तरीके से आप असाइन हो जाएंगे। इन सभी के बीच एक वाजिब सवाल ये भी उठता है कि हिस्ट्री तो आप भैया फिर भी देख ही रहे हैं, ये कुकीज को फ्लॉक नाम तो नहीं दे दिया, लेकिन इसका बेनिफिट तो है, अब आपको टारगेटेड की जगह ग्रुप वाले यूजर्स की ऐड दिखाई जाएगी जिनके कुछ सिमिलर इंटरेस्ट और हैबिट्स होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इस फ्लॉक के इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ गूगल थर्ड पार्टी कुकीज को ब्लॉक कर देगा। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि आप फ्लॉक के लपेटे में आए हैं या नहीं आए हैं, या आप कैसे पता कर सकते हैं। इसके लिए आप गूगल पर जाइए और MIFlog नाम सर्च कीजिए, आपको पहली वेबसाइट नजर आएगी MIFlog.org। चिंता मत करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, देख लीजिएगा। उसके बाद आप वहां पर चेक फ्लॉक आईडी पर क्लिक करें, इससे आपको पता लग जाएगा कि गूगल ने आपकी हिस्ट्री प्रोसेस की है या नहीं की है, और इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि अभी तक आप किसी ग्रुप में पहुंच चुके हैं या नहीं पहुंच चुके हैं। जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि ये जो फ्लॉक वाला एक्सपेरिमेंट है, ये गूगल क्रोम के ओवरऑल यूजर्स के 0.5% पर ही एक्सपेरिमेंट कर रहा है, यानी अलग अलग कंट्रीज में जरूर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लेकिन 0.5% यूजर्स पर ही इसका एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। अंततः आप नहीं चाहते अपनी हिस्ट्री गूगल के साथ साझा करना, तो आप अपना क्रोम ब्राउजर अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि यही एकमात्र उपाय मुझे अभी तक मिला है, और नए ब्राउजर यानी कि मोजिला फायरफॉक्स पर जैसे कि आप शिफ्ट हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और गूगल का यह नया तरीका आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, और जो लोग प्राइवेसी के लिए थोड़ा कंसर्न है उनके साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।